अब जाओ तुम निकल जाते हैं, 8 बज रहा है, जाओ चला तुम्हारे घर, हम दावत खाए हैं तो सना बाजी ना जल लिया उधार अपना सामान ले, इनाम आया है मेरा गली भाई ने, ले उतरा आज भाभी ने इनाम दिया है, उतार ले उतार ले, ले उठा ठीक है, अब अपना लाई गर्मी बस है पूरा मोहल्ला लगवा दिया ना, कहाँ लगवा जा रही है भाभी आई है क्या, हमारी सहेली है फ्रेंड, हम लोग आ गए रुखसाना बाजी घर के अंदर, फ्रेंड्स हम लोग अभी आ गए थे इनके दोस्त के यहाँ पे दावत पे, बहुत दिनों से उनके आना था लेकिन A few moments later. इत्तेफाक से यहाँ उनके बेटे पास उसका भी नाम वाली है, तो हमारे गिफ्ट भी मिले हुई है स्पेशल गिफ्ट, इंशाल्लाह मुंबई जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे, अम्मी के लिए उन्होंने दिया, बहुत ही अच्छा लगा, हमने तो ब्लॉग भी बनाया, फ्रेंड फर्स्ट टाइम गए थे और काफी देर मिले बातें की, लेकिन बहुत अच्छा खाना था, अभी से तुम्हारा गिफ्ट खुलने लगा, देखने में खुशी होती है, मेरी तुम्हारी पुरानी आदत है ना, अभी तुम ऐसे चले गए, ऐसे अच्छे लगते हैं, सिंपल लोग हमेशा अच्छे लगते हैं, पहन लूंगी इंशाल्लाह, भाई पहन लेना मुंबई जा के, अभी पहन लेगी हर चीज, पता है जब किसी के यहाँ और कोई इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, ज्यादा खुशी होती है, और ये सबसे ज्यादा जितने प्यार से मिला, जितने प्यार से हर चीज समझाई और हिम्मत दी हर चीज के लिए, तो थैंक यू, एक बार में सारे सवाल कर लो फ्लाइट के बारे में, क्योंकि अब मैं नहीं आंसर कर पाऊंगी, जो जो मन में सवाल है एक बार में कर डालो, सबसे पहले तो जब वो ऊपर जाती है तो टेढ़ी जाती है कि सीधी जाती है, टेढ़ी ऊपर जाएगी तो थोड़ी सी टेढ़ी होगी, तो पेट में कुछ होगा तो नहीं, नहीं होगा पक्का, कल पता चलेगा, और ऊपर जाने में कुछ नहीं है, लैंडिंग में पता नहीं चलता होगा ना, क्योंकि एकदम ऐसे थोड़ी आती है वो ऐसे, और तुम्हारे कोई सवाल है, और मेरा ये सवाल एक सीट का था कि सीट अलग अलग तो नहीं होगी, वरना क्योंकि हम पहली बार बैठ रहे हैं साथ में बैठना है, कहीं रोने लगे तो क्या, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा रो सकती हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रो नहीं, हेडफोन लगा के पहली टैप खोल, क्योंकि वो बोलते झूला जैसा होता है, मैं एक बार झूले में बैठी थी तो मैंने चिल्ला दिया था, मतलब जैसे बहुत पेट में गुदगुदी हो रही थी, सनी भाई कहता वैसे झूला जैसा लगता है, तो थोड़ा थोड़ा झूले में क्या होता है कि वो खुला रहता है, तो हम जब आगे आते हैं तो लगता है हम गिर जाएं, पर फ्लाइट में जब ऊपर आ तो आगे इतने लोग बैठे इतना बड़ा कैसे, इतना ठीक है चलो, जब वो ऊपर जाए और लैंड करे तब पेट में ठीक है चलो गुदगुदी लगे, और जब वो चलती है तब तो नहीं कुछ ना, एकदम नीचे आएगी, मुझे बोल रही है ऊपर, मैं हम लोग जो जोश में तो फ्लाइट का टिकट करवा लिया, अभी तक तो खूब खुश थी, अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो कह रही पता नहीं फ्लाइट में कैसा लगेगा क्या होगा, मैंने कहा मुझे कैसे पता, मैं थोड़ा ना बैठी हुई अभी तो फर्स्ट टाइम अच्छा है, तो भी डरा रही हो इतना मत डरो, आप कह रहे हैं आप तो खुद ही डरती हो, सब कुछ इंशाल्लाह कल ही पता चलेगा, फ्रेंड अभी हो रहा है 5:30 और हमें निकलना है लखनऊ के लिए, तो हम लोग सारे लोग हो गए हैं रेडी और फटाफट निकलते हैं, क्योंकि 11:30 की हमारी फ्लाइट, चलो हो गए सब लोग रेडी, चलो और आपको सामान, तो मैं एक्साइटेड हूं, आप सब लोग कैसे हो, मेरे को मजा आ गया, इंशाल्लाह दुआ करते हैं हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाए और एक बेहतरीन इंसान बन पाए, इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं, आज इसमें हमने देखा समय इब्राहिम का ब्लॉग, उन्होंने बहुत सारी चीजें शेयर की, तो लाइफ ऐसे ही होती है थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन, लाइफ में चला करते हैं, बिल्कुल भी टाइम टेबल या प्लान तरीके से नहीं होती है, और जो लोग रियल दिखाते हैं उनको सब कुछ दिखाना पड़ता है, और रियल दिखाने का मतलब बहुत ज्यादा पैसा लाइफ को शेयर करना नहीं होता है, जिसको लेकर सब इब्राहिम को ट्रोल किया जाता है, आपका इसको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, थोड़ा बहुत सैडनेस भी रहती है और थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी रहता है, तो लाइफ जिंदगी